नमस्कार दोस्तों, इजी एडिटिंग के नए ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। इजी एडिटिंग के इस ट्यूटोरियल पे हम बात करेंगे AVS वीडियो एडिटर के अंदर स्टेबिलिटी की। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी वीडियो, जो भी आप कभी वीडियो बनाते हो, उसमें बहुत ज़्यादा हिलने लग जाती है वो वीडियो, क्योंकि आप जनरली उसे हाथ से बनाते हैं। अगर आप उसको स्टेबल करें तो आपकी वीडियो बहुत खूबसूरत और बन सकती है। जैसे मैं आपको फाइल को इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ, आप अपनी वीडियो को कैसे स्टेबल बना सकते हैं। आपकी स्टेबल वीडियो आपको खुद ही बहुत पसंद आएगी, आप उसको और भी खूबसूरत बना सकते हैं स्टेबिलिटी के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वीडियो सिलेक्ट की, इसको अगर मैं ऐसे डालता हूँ इस पर, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप इसको जूम कम कर दें तो आपको इसकी वो दिखाई देगी। मैं इसको इतना रखता हूँ जितने से मेरे टाइम लाइन पर काफ़ी अच्छी खूबसूरती से दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी वीडियो काफ़ी यहाँ पे हिलती डुलती दिखाई दे रही है। आप उसके अंदर किस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्टेबलाइजिंग में जाऊँ तो यहाँ पे आपके पास स्टेबलाइजिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपको वीडियो, अभी मैंने कुछ स्टेबलाइज नहीं किया, तो आपको यहाँ पे वीडियो काफ़ी हिलती हुई दिखाई दे रही होगी। मैंने मोबाइल से बनाया है तो आपको ये बहुत हिलते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो मैं अगर इसको हाई कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको काफ़ी स्टेबल दिखाई देगी, पहले के मुकाबले काफ़ी स्टेबल दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही कुछ इस तरह से थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा हिलती हुई दिखाई देगी। ये देखिए किस तरह से आपको हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप इसको हाई रख के अपनी वीडियो को स्टेबल बना सकते हैं। इसको लॉक कर दीजिए ताकि और स्टेबल हो जाए, फिर आपको और खूबसूरत दिखाई देगी। स्टेबलाइजिंग वीडियो के अंदर आप यहाँ से बड़े आराम से अपनी वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं, और स्टेबलाइज करने के बाद अपनी आपकी वीडियो और बहुत खूबसूरत होकर बाहर आएगी। स्टेबलाइजिंग वीडियो AVS के अंदर इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको और भी कुछ बताएंगे हम AVS के अंदर क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। धन्यवाद, हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव या सवाल हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।